So, hey guys, कैसे हो? I hope सब अच्छे होंगे। So guys, आज के इस वीडियो में हम आपको सीखने वाले हैं कि कुछ इस टाइप का एक्सर्सिशन ब्राउन इफेक्ट वीडियो एडिटिंग बहुत ही कम स्टेप और बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने सीखने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों ने मेरे वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना। Guys, ये वाली वीडियो बनाने के लिए एप्लीकेशन का जरूरत होगा। एप्लीकेशन का नाम है Allied Motion, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोगों को जाके डाउनलोड कर लेना। Guys, इसका प्रो वर्जन चाहिए तो मैंने इसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में दे रखा है, आप लोग मैंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे डाउनलोड करना मिल जाएगा। बिना किसी देरी के हमारे इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने Allied Motion एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो नीचे प्लस वाले आइकन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट करके बाकी सबको ऐसे ही रहने देना। फिर गैस यहाँ पे क्विक प्रोजेक्ट कर लेना। फिर गैस आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आप गैस यहाँ पे जो नीचे प्लस वाले आइकन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को जो वीडियो एडिट करना है, जो वीडियो में एडजस्ट ब्राउन इफेक्ट देना चाहते हो, सिंपली वही वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैंने कहा एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। मैंने कहा ये वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, आप लोग देख लीजिए ये वाली वीडियो का बिल्कुल नॉर्मल ही वीडियो है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग एडजस्ट ब्राउन इफेक्ट देने वाला हो, आप लोग देख लीजिए। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे जो नीचे इफेक्ट का ऑप्शन सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को ऐड इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को नीचे मिल जाएगा अदर का ऑप्शन, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे जो दो नंबर पे ये वाली चैनल रैम्पेज RGB का इफेक्ट है सिंपली इसको सिलेक्ट करके इसको स्नर सेटिंग कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग सर लाइन मिलेगा, यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे बी ये वाली गाइस आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों जी पे क्लिक कर देना है, आप लोग देख लीजिए ये वाली गाइस जी पे क्लिक कर देना है। फिर गाइस हमारा वीडियो थोड़ा सा ब्राउन इफेक्ट आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे हम लोग एजर इफेक्ट देने वाला है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक बार बैक से लेना है। बैक से लेने के बाद गाइस प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है। शेप को सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस ऊपर जो थ्री डॉट है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। कर लेने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो कलर एंड फिल का ऑप्शन सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग ये वाली गाइस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस बैक से लेना है। बैक से लेने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी का ऑप्शन, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को नीचे मिल जाएगा डिफरेंस का ऑप्शन, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे सबस्ट्रेक्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक हो जाने के बाद गाइस जैसे बैक से लेना है, बैक से लेने के बाद गाइस यहाँ पे जो नीचे इफेक्ट का ऑप्शन सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एयर इफेक्ट में क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे सर्च करना है COPY, कॉपी लिख के सर्च कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कॉपी बैकग्राउंड का इफेक्ट, सिंपली इसको स्नैच सेटिंग कर लेना है। अब गाइस आप लोग देख लीजिए हमारे वीडियो में एजर इफेक्ट भी ऐड हो चुका है, लेकिन गाइस यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, एक शेप को सिलेक्ट करके थ्री डॉट में क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है और गाइस कलर एंड फिल में क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस बैक से लेना है। बैक से लेने के बाद गाइस फिर से ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कॉन्स्ट्रास्ट वाले ऑप्शन, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओवरले पे टैप कर देना है। फिर गाइस आप लोग देख लीजिए हमारी वीडियो में हाईलाइट भी आ चुका है। अब गाइस इसको पूरी वीडियो में देने के लिए आप लोग देख लीजिए हमारी पूरी वीडियो में ये एजर इफेक्ट नहीं है। पूरी वीडियो में देने के लिए इन दोनों लेयर को ऐसे टैप एंड होल्ड करके सिलेक्ट कर लेने, फिर गाइस वीडियो के लास्ट तक चले जाना है। लास्ट तक चले जाने के बाद गाइस यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाली गाइस, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गाइस आप लोग देख लीजिए हमारी पूरी वीडियो में ये एजर इफेक्ट एंड ब्राउन इफेक्ट ऐड हो गया है। अब गाइस यहाँ पे एक स्नो इफेक्ट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप लोग। उसको ऐड करने के लिए आप लोग प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है और मीडिया में सिलेक्ट करके उसको वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैंने गाइस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। वीडियो ऐड हो जाने के बाद गाइस वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करना है और गाइस थ्री डॉट में क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। कर लेने के बाद गाइस फिर से ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में क्लिक करके लाइटन वाले ऑप्शन में क्लिक करके स्किन पे टैप कर देना है। अब गाइस आप लोग देख लीजिए हमारा स्नो इफेक्ट वीडियो भी ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे वीडियो के लास्ट तक चले जाने हैं। यहाँ पे गाइस ये जो स्नो इफेक्ट का जरा वाले पार्ट है इसको काट करने के लिए सिंपली इसके लेयर के ऊपर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाली गाइस, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर गाइस यहाँ से हमारे जरा वाले पार्ट काट हो जाएगा। आप लोगों को एक बार मैंने प्ले करके दिखा देती हूँ। अब गाइस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली गाइस इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को वीडियो पे ही सिलेक्ट करने देना। फिर गाइस यहाँ पे जो नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब गाइस हमारा वीडियो एडिटिंग
एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्टिंग हो जाने के बाद गाइस हमारे वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो रेटिंग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और गाइस वीडियो पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखना। फिर मिलता होगा और एक न्यू वायरल वीडियो एडिटिंग लेके, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।